अनोखी सैंडल और फ्रॉक का जादू। महिमा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। महिमा के चाचा नीरज और चाची शिल्पा उसे बहुत प्यार करते थे। नीरज और शिल्पा दोनों साथ मिलकर जमींदार के खेत में खेती का काम करते थे। एक दिन दोनों खेत में काम कर रहे होते हैं, तभी महिमा उनके पास जाती है और बोलती है, चाची देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, दिखा जरा। महिमा अपने चाचा चाची को एक छोटा सा बॉक्स दिखाती है। बॉक्स देखकर शिल्पा बोलती है, अरे ये तो बहुत छोटा सा बॉक्स है, ये छोटा सा बॉक्स तुझे कहाँ मिला? मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल से फल तोड़कर आ रही थी, तभी रास्ते में मुझे ये बॉक्स मिला। मेरे दोस्तों ने ये छोटा सा बॉक्स लेने से मना कर दिया, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। ये बॉक्स तो बहुत पुराने जमाने का लग रहा है। चाची चलो इसे दुकान में बेच कर आते हैं। इस पुराने बॉक्स को कौन लेगा, वैसे भी ये एक छोटा सा पुराना बॉक्स है, ना कि सोने का सिक्का, जो इसे दुकान में जाकर बेच आए। ठीक है फिर मैं इसे अपने पास अपने कमरे में रख लेती हूँ। इतना बोलकर महिमा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीरज और शिल्पा बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी महिमा बाहर से घूमकर आती है और बोलती है, ये देखो चाचा जी मुझे सोने का सिक्का मिला। लेकिन सोने का सिक्का तुझे कहाँ से मिला? जहाँ से मुझे कल पुराने जमाने का छोटा सा बॉक्स मिला था, वहीं से मुझे आज सोने का सिक्का मिला। चलिए मैं तो कहती हूँ इसे सुनार की दुकान में जाकर बेच आते हैं। हाँ। उसके बाद तीनों सोने का सिक्का लेकर सुनार की दुकान पर जाते हैं। सोने का सिक्का देखने के बाद सुनार बोलता है, इस सोने के सिक्के के मैं आप लोगों को 21,000 रुपए दूंगा। ये सुनकर तीनों बहुत खुश होते हैं और पैसे लेकर घर वापस आने लगते हैं। तभी रास्ते में महिमा अपने चाचा जी से कहती है, चाचा जी मेरे लिए कुछ कपड़े और मिठाइयाँ खरीद दो ना। हाँ हाँ मेरी बच्ची। और मेरे लिए भी साड़ियाँ खरीद दो और चूड़ियाँ भी। तुम्हारे लिए बस एक साड़ी और एक जोड़ी चूड़ी बस, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जमींदार साहब से लिए हुए उधार मैं जल्दी से चुकता कर दूँ। उसके बाद दोनों कुछ कपड़े और मिठाइयाँ लेकर घर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद नीरज जमींदार के घर पैसे देने जाता है। नीरज जमींदार से बोलता है, साहब मैंने आपसे 30,000 रुपए लिए थे, उसमें से आप 18,000 काट लो, बाकी के पैसे भी मैं जल्द लौटा दूंगा। इस तरह नीरज जमींदार को पैसे दे देता है और वहाँ से घर वापस आ जाता है। उस दिन महिमा और उसके चाचा जी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें बिना मेहनत किए 21,000 रुपए मिल गए थे। इसी तरह 25 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन जमींदार अपने कुछ चेलों को लेकर महिमा के घर आ जाता है और बोलता है, नीरज तूने मुझे कहा था कि बाकी के पैसे तू मुझे जल्दी लौटा देगा और तूने अभी तक नहीं दिया, इसलिए तेरा ब्याज 15,000 बढ़ गया है। कुल मिलाकर अभी भी तेरे ऊपर मेरा 95,000 रुपए है। लेकिन साहब मैंने तो आपसे इतना सारा उधार लिया ही नहीं था, मैंने तो बस आपसे 23,000 रुपए लिए थे। अब तो तू झूठ भी बोलने लगा है क्या? तूने मेरे से 1,50,000 रुपए लिए थे, उसमें से अभी भी 95,000 बचा है। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो अभी के अभी मैं तेरा घर भी ले लूंगा। नहीं ये गलत है, मैंने आपसे कभी इतने पैसे लिए ही नहीं थे। साहब कुछ तो दया कीजिए, अगर आपने हमारे ये घर ले लिया तो हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? वो सब मैं नहीं जानता, ये मेरा काम है बहन, और काम में मैं कोई भाई बंधु नहीं देखता। अगर 2 दिन के बाद मुझे मेरे 95,000 रुपए नहीं दिए तो ये घर मेरा हो जाएगा। इतना बोलकर मुस्कुराते हुए जमींदार वहाँ से चला जाता है। जमींदार के जाने के बाद शिल्पा कहती है, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। 2 दिन में मैं 95,000 कहाँ से लाऊंगा, और वैसे भी मैंने तो इनसे 1,50,000 रुपए कर्ज लिया ही नहीं था, फिर ये 95,000 कहाँ से बने? चाचा जी क्या हमें अब ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा? इतना बोलकर महिमा रोने लगती है। उसके बाद सभी ये सोचकर रोने लगते हैं कि जल्दी उन्हें बेघर होना पड़ेगा। महिमा अपने कमरे में जाती है और अपना कमरा घूर घूर के देखने लगती है, क्योंकि उसे पहले ही सारी बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद अपना कुछ सामान निकालने के लिए महिमा अपनी अलमारी खोलती है
और उसे वही पुराने जमाने का छोटा सा बॉक्स नजर आता है। महिमा छोटे से बॉक्स को बाहर निकालती है और बोलती है, अरे इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। इतना बोलकर महिमा बॉक्स को जमीन पर रखती है, तभी अचानक छोटा सा बॉक्स बड़े से बॉक्स में बदल जाता है। ये तो अचानक इतना बड़ा हो गया है, अभी इसको खोलकर देखती हूँ कि भला इसके अंदर क्या है। इतना बोलकर महिमा बॉक्स खोलती है। बॉक्स में उसे एक फ्रॉक और एक सैंडल नजर आता है। फ्रॉक और सैंडल को देखकर महिमा बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर फ्रॉक और सैंडल है, ये तो मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। पहले मैं सैंडल पहनकर देखती हूँ और फिर बाद में फ्रॉक पहनूंगी। इतना बोलकर महिमा सैंडल पहन लेती है। सैंडल पहनकर महिमा शिल्पा के पास जाती है और बोलती है, चाची देखो ये सैंडल मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है। शिल्पा को सैंडल नजर आ रही थी और महिमा की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे महिमा नजर नहीं आ रही थी। शिल्पा इधर उधर देखती है और बोलती है, महिमा कहाँ है तू बेटा, मुझे नजर क्यों नहीं आ रही। इतना बोलकर शिल्पा नीरज को बुलाती है। सुनिए जी, जरा इधर आइए। शिल्पा की आवाज सुनकर नीरज वहाँ आता है और बोलता है, क्या हुआ शिल्पा? मुझे महिमा की आवाज सुनाई तो दे रही है और सैंडल भी नजर आ रहा है, लेकिन महिमा नजर नहीं आ रही। महिमा जरा सैंडल उतारो। महिमा सैंडल उतार देती है और उसके बाद वो अपने चाचा चाची को नजर आने लगती है। मुझे लग रहा है कि ये कोई जादुई सैंडल है जिसे पहनकर महिमा गायब हो गई थी। तुझे कहाँ से मिला ये? चाची आपको याद है मैं एक छोटा सा बॉक्स लेकर आई थी, आज मैंने उस छोटे से बॉक्स को बाहर निकाला, तभी अचानक वो बड़े से बॉक्स में बदल गया। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें मुझे एक फ्रॉक और ये वाली सैंडल मिली। तभी नीरज कुछ देर सोचता है और बोलता है, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। कैसी तरकीब? महिमा ये जादुई सैंडल पहनकर जमींदार के कमरे में जाएगी और उसे मेरी मरी हुई दादी बनकर डराएगी। जमींदार डर जाएगा और हमसे हमारा घर नहीं छीनेगा। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। वैसे भी जब हमने उनसे इतना कर्ज लिया ही नहीं है तो क्यों दे? अब वो सीधी तरह से नहीं मानेंगे तो उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद तीनों जमींदार के घर जाते हैं। शिल्पा और नीरज जमींदार के घर के बाहर ही खड़े रहते हैं और महिमा सैंडल पहनकर जमींदार के कमरे में जाती है। महिमा बहुत जोर जोर से चल रही होती है और सैंडल का शोर सुनकर जमींदार उठ जाता है। जमींदार अपने कमरे के चारों तरफ देखने लगता है, तभी उसे सैंडल नजर आ जाती है। अरे ये सैंडल कहाँ से आई, और अभी मुझे चलने की भी आवाज आ रही थी, कहीं भूत तो नहीं आ गया? कोई मुझे बचाओ। लालची जमींदार, मैं नीरज की दादी हूँ, तेरी इतनी हिम्मत जो तो नीरज का घर छीनेगा। जमींदार को बस आवाज सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डर जाता है। अम्मा मुझे माफ कर दो और मुझे कुछ मत करना, अब मैं नीरज से कोई पैसे नहीं लूंगा। अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर अगली बार फिर से तूने नीरज को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर महिमा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद महिमा अपने चाचा चाची के साथ घर चली जाती है। महिमा अपने कमरे में जाती है और फिर से बॉक्स में सैंडल को रख देती है। तभी फ्रॉक में से आवाज आती है, महिमा सैंडल की तरह मैं भी जादुई हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि किस तरह तुम्हारे चाचा जी और चाची जी जमींदार के खेत में मेहनत करते हैं और उनको उस मुताबिक पैसे भी नहीं मिलते हैं, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। कल से हर रोज मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगी, जिसे बेचकर तुम लोग जो चाहे खरीद सकते हो। जादुई फ्रॉक की ये बात सुनकर महिमा बहुत खुश होती है और अपने चाचा चाची को जाकर बताती है। उस दिन से जमींदार फिर से कभी भी उन्हें तंग करने नहीं आता और जादुई फ्रॉक के 2 सोने के सिक्के की मदद से वे लोग अपनी सारी इच्छा पूरी करने लगे थे। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और महिमा अपने चाचा चाची के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। झरने का जादुई 2 हैंडबैग। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी गांव में
रोली नाम की एक लड़की अपनी बुआ के साथ रहती थी। रोली के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से उसकी बुआ अंकिता ही उसके देखभाल करती थी। अंकिता सब्जियां बेचकर घर का गुजारा करती थी और रोली के पढ़ाई का खर्चा भी उठाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रोली के स्कूल के जूते फट जाते हैं, इसलिए रोली अपनी बुआ से कहती है, बुआ मेरे स्कूल के जूते फट गए हैं, लेकिन मुझे पता है आपके पास इतने पैसे नहीं हैं जो आप मुझे जूते दिला सको, इसलिए मैं यही जूते पहनकर स्कूल चली जाऊंगी। रोली, मैं तुझे इसलिए पढ़ा लिखा रही हूँ कि आगे चलकर तू बहुत अच्छे पोस्ट पर हो और हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाए। तो बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर स्कूल में कोई तेरा मजाक उड़ाएगा तो उसे अनदेखा करियो, क्योंकि समझदार लोगों की पहचान होती है ऐसे बातों को अनदेखा करना। रोली अपनी बुआ की कही हुई बात बहुत अच्छे से समझ जाती है। थोड़ी देर बाद रोली अपने स्कूल जाती है और उसके फटे हुए जूते देखकर स्कूल में सब उसका बहुत मजाक बनाते हैं। देखो देखो, ये तो स्कूल में फटे जूते पहन कर आई है। मैं तो हर महीने अपने जूते बदलती हूँ और इससे अच्छे जूते तो मेरे घर की नौकरानी पहनती है। पता नहीं कहाँ से उठकर आई है। मुझे नहीं लगता कि तुम सारे घमंडी बिगड़े लड़कियों के अंदर दिमाग है। इतने अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन पढ़ाई देखकर नहीं हुआ है, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अमीर बाप ने स्कूल वालों को घूस दे रखा है। क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग होता तो यहाँ खड़े होकर तुम लोग इतनी घटिया हरकत नहीं कर रहे होते। मैं गरीब हूँ लेकिन समझदार हूँ, और तुम जितनी अमीर हो उससे कई ज्यादा पानी में हो। अब मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम पर बर्बाद करूं। मैं जा रही हूं अपने क्लास में। इतना कहकर रोली अपने क्लास में चली जाती है। रोली की बात सुनकर पाखी को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और रोली स्कूल के सभी टीचर्स के फेवरेट हो गई थी। स्कूल में सारे टीचर के मुँह से रोली की तारीफ सुनकर पाखी को रोली से जलन होने लगी थी। पाखी गुस्से से अपने मन में सोचती है, इस गरीब सब्जी वाली की वजह से स्कूल में कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। इसको सबक तो सिखाना ही होगा। इस तरह पाखी अपने मन में बेवजह रोली को सबक सिखाने का प्लान बना लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन पाखी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे रोली की बुआ सब्जी बेचते हुए नजर आती है। क्यों ना मैं रोली की बुआ को बिस्तर पर बिठा दूं, जिसके बाद वह स्कूल भी नहीं आएगी और उसको खाने के लाले पड़ जाएंगे। इतना सोचकर पाखी अंकिता के पास जाती है और उसे जोर से धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। अंकिता के सर से बहुत खून बहने लगता है और आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। जैसे ही रोली को इस बात का पता चलता है तो वो भागते हुए अपनी बुआ को देखने हॉस्पिटल जाती है। अपनी बुआ की ऐसी हालत देखकर रोली बहुत रोती है। बुआ, ये क्या हो गया आपके साथ? आपको इतनी गहरी चोट लगी है। आपने मेरे अच्छे भविष्य के लिए कितना मेहनत किया है और आज आपके साथ ये सब हो गया। लेकिन बुआ, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन रोली, मुझे ये चिंता बहुत सता रही है कि अब मैं सब्जियां बेचने कैसे जाऊंगी। अगर सब्जियां बेचने नहीं जाऊंगी तो हमें खाने तक के लाले पड़ जाएंगे और तो स्कूल भी नहीं जा पाएगी। तेरे एग्जाम भी आने वाले हैं, पता नहीं सब कैसे होगा। आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब मेरे माता पिता ये दुनिया छोड़कर चले गए तो आपने मुझे माता पिता का प्यार दिया। इसलिए अगर आपके लिए मैं कुछ दिन तक अपनी पढ़ाई छोड़ भी दूंगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात सब्जियां बेचने की, तो आपकी जगह मैं सब्जियां बेचूंगी। इस तरह रोली अपनी बुआ को हार नहीं मानने देती है। कुछ दिनों बाद अंकिता की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर लौट आती है। जब तक अंकिता पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई थी, तब तक रोली ही सब्जियां बेच रही थी। एक दिन रोली सब्जी बेच रही होती है, तभी वहाँ से पाखी अपने दोस्तों के साथ गुजर रही होती है। पाखी की नज़र जैसे ही रोली पर पड़ती है, वो उस पर बहुत जोर जोर से हंसती है। रोली, अब तू सब्जियां बेचने लग गई? लगता है पढ़ाई का सारा बुखार उतर गया। वैसे भी तो जैसी गरीब लड़की कुछ नहीं कर सकती,
क्योंकि अब के समय में हर चीज में पैसे लगते हैं। वैसे तो सब्जियां बेचती हुई बहुत अच्छी लग रही है। चल इसी बहाने तुझे सब्जियां बेचने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आगे चलकर सब्जियां बेचने में आसानी होगी। इस वक्त मेरी बुआ को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अगर मैं इस बार के एग्जाम में फेल भी हो गई, तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा। पाखी रोली की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और रोली अपनी सब्जियाँ बेचकर घर जाने लगती है। चलते चलते रोली बहुत थक जाती है और उसे बहुत प्यास लगने लगती है, इसलिए वो एक झरने के पास जाकर पानी पीने लगती है। तभी थोड़ी दूरी पर रोली को एक गरीब लड़की दिखाई देती है। गरीब लड़की रोली से कहती है, दीदी मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं क्या तुम मुझे दे दोगी? मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए उनके लिए दवाई लानी है। उस लड़की की बात सुनकर रोली अपने मन में सोचती है, अरे ये लड़की तो सच में बहुत परेशान है, एक काम करती हूँ, आज मेरी जो कमाई हुई है मैं इस लड़की को दे देती हूँ। इतना सोचकर रोली उस लड़की को पैसे देने लगती है। तभी वो लड़की एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। परी रोली से कहती है, मैं इस झरना की रखवाली करने वाली परी हूँ, हर पूर्णिमा के दिन मैं एक अच्छे इंसान की मदद करती हूँ, इसलिए अभी तुम्हारी अच्छाई देखने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुम इस झरना के अंदर जाओ, तुम्हें दो हैंडबैग मिलेंगे, उसे लेकर तुम यहाँ आ जाना। परी की बात सुनकर रोली झरना के अंदर जाती है। झरना के अंदर जाते ही रोली को दो हैंडबैग नजर आते हैं और वो दोनों हैंडबैग को लेकर वापस परी के पास आती है। उसके बाद परी रोली से कहती है, एक हैंडबैग से तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे और दूसरे से बहुत सारे पैसे, अब बताओ तुम्हें दोनों में से कौन सा चाहिए? परी मुझे आप ये पैसे वाला हैंडबैग दे दो, क्योंकि मुझे सोने के सिक्के की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पैसों की जरूरत है, मैं इन पैसों से अपनी बुआ का इलाज अच्छी जगह करवाऊंगी। रोली के इतना कहते ही सोने के सिक्के वाला हैंडबैग वहाँ से गायब हो जाता है और पैसों का हैंडबैग वहीं रहता है। आज से ये पैसों का हैंडबैग तुम्हारा हुआ और इसे तुम जितने चाहे पैसे ले सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है और रोली अपना जादुई हैंडबैग लेकर अपने घर जाती है। घर जाकर रोली हैंडबैग से पैसे मांगती है और वहाँ पर बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। रोली के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं और वो अपनी बुआ का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। कुछ ही समय में अंकिता पूरी तरह से ठीक हो जाती है। रोली उन्हीं पैसों से अपनी बुआ के लिए एक बहुत बड़ी सब्जी और फलों की दुकान खोलती है। कुछ ही समय में रोली बहुत अमीर हो जाती है और रोली अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाने लगती है। ये सब देखकर पाखी जल भुनकर राख हो जाती है। रोली पाखी के पास जाती है और उससे बोलती है, पाखी मुझे पता चल चुका है कि मेरी बुआ को तुमने ही धक्का दिया था। तुमने मुझे रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक पाई। कहते हैं ना, जो अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास दूसरों से जलन के अलावा कुछ नहीं है। जितना दिमाग तुमने मुझे रोकने में लगाया, उतना अगर पढ़ाई में लगा लेती तो शायद अच्छे नंबर आ जाते। इतना कहकर रोली वहाँ से चली जाती है, लेकिन पाखी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और रोली का पीछा करने लगती है। पाखी रोली का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाती है और उसे जादुई हैंडबैग के बारे में पता लग जाता है। पाखी मौका देखकर जादुई हैंडबैग चुराने की सोचती है और वो जैसे ही हैंडबैग को हाथ लगाती है, उसे जोर का करंट लगता है। पाखी बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इस तरह पाखी को उसके किए की सजा मिल जाती है और वो उस दिन के बाद से कभी भी रोली को तंग नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ रोली अपनी बुआ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही होती है।
दर्जी की बेटी का अनोखा फ्रॉक। रानीपुर नाम के गांव में अंजलि अपनी माँ गायत्री के साथ रहती थी। अंजलि के पिता की लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है, जिसके बाद गायत्री सिलाई का काम करके घर का गुजारा करती थी। वे लोग बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से अंजलि स्कूल नहीं जा पा रही थी, क्योंकि गायत्री जैसे तैसे दो वक्त का खाना जुटा पाती थी, इसलिए अंजलि के पढ़ाने का खर्च नहीं उठा सकती थी। लेकिन इन सब के बाद भी अंजलि और गायत्री एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे। एक दिन अंजलि गांव की कुछ लड़कियों के साथ खेल रही थी, तभी राजमहल के सिपाही अनाउंसमेंट करते हैं। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, राजकुमारी के 18वें जन्मदिन के अवसर पर राजमहल में मॉडलिंग की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जो भी लड़की जीतेगी उसे राजा रानी के तरफ से 25 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर अंजलि अपनी सहेलियों से बोलती है, ये मॉडलिंग प्रतियोगिता क्या होती है? अरे इतना भी नहीं पता क्या बुद्धू? मॉडलिंग मतलब सुंदर ड्रेस पहनकर कुछ दूर तक चलना। अच्छा, मैं तो सुंदर सा गाउन पहनूंगी और मैं प्यारा सा लहंगा पहनूंगी, तो क्या पहनेगी अंजलि? अरे इससे क्या पूछ रही है, इसके पास तो नॉर्मल दिनों में पहनने के लिए भी ढंग के कपड़े नहीं है, फिर प्रतियोगिता में कहां से लाएगी? अरे हाँ, अंजलि तो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। दोनों की बात सुनकर अंजलि उदास हो जाती है। अंजलि वहाँ से जाने लगती है और रास्ते में सोचती है, दोनों सही तो कह रही थी, लेकिन अगर मैं प्रतियोगिता जीत गई तो 25 सोने के सिक्के मिलेंगे। इतने सारे सोने के सिक्के बेचकर तो बहुत सालों का राशन हम एक दिन में ही इकट्ठा कर लेंगे। पर मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस भी तो नहीं है, एक बार माँ से बात करती हूँ इस बारे में। अंजलि दौड़ते हुए अपने घर जाती है। गायत्री उस वक्त सिलाई कर रही होती है। अंजलि गायत्री से कहती है, अरे माँ आप अभी तक सिलाई कर रही हो? तो क्या करूँ, अगर सिलाई नहीं किया तो राशन कहाँ से आएगा? अच्छा सुनो माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। माँ आज मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी राजमहल का सिपाही आया और उसने बोला कि राजमहल में मॉडलिंग प्रतियोगिता होने वाली है और मुझे भी इसमें हिस्सा लेना है, इसलिए आप मेरे लिए एक फ्रॉक सिल दो ना। अब ये क्या नया तमाशा है अंजलि, तू तो हमारे हालात अच्छे से जानती है ना? हाँ माँ, लेकिन जीतने वाले को इनाम में 25 सोने के सिक्के मिलेंगे, ये सुनकर मैंने प्रतियोगिता में भाग लेने का सोचा। और तो और माँ, आपको तो फ्रॉक भी सिलने आती है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। कपड़े सिलने आते हैं, लेकिन फ्रॉक सिलने के लिए कपड़े कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो सूती साड़ियाँ हैं, अगर इससे तुझे फ्रॉक सिलवाना है तो बोल। अपनी माँ की बात सुनकर अंजलि को सोचने लगती है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद अंजलि बोलती है, कोई बात नहीं माँ, आप मेरे लिए अपनी सूती साड़ी से फ्रॉक सिल दो। लेकिन फ्रॉक में अगर सिप्पी मोती नहीं लगाऊंगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे माँ आप शुरू तो कीजिए, माँ के साथ मैं देख लूंगी। इस तरह अंजलि अपनी माँ को सूती के कपड़े से फ्रॉक बनाने के लिए कह देती है। अगले दिन अंजलि जंगल में पेड़ से फल तोड़ने जाती है, तभी उसे एक तितली नजर आती है। अरे ये तितली तो बहुत सुंदर है, एक बार इसे छूकर देखती हूँ। उसके बाद अंजलि तितली का पीछा करने लगती है। तितली एक गुफा में घुस जाती है और उसके पीछे पीछे अंजलि भी गुफा में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद तितली गुफा के दूसरी ओर निकलती है और उसके साथ साथ अंजलि भी वहां पहुंच जाती है। तभी अंजलि वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि गुफा के उस पार एक सुंदर सा बगान था। अरे वाह, गुफा के इस पार इतना सुंदर बगान है, लेकिन इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। इतना बोलकर अंजलि बगान में घूमने लगती है, तभी उसे एक परी पेड़ के नीचे आराम करती हुई नजर आती है। अंजलि परी को देख हैरान रह जाती है और उसके पास जाती है। आप परी हो? हाँ, और मैं यही रहती हूँ। लेकिन यहाँ एक बगान है, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। हाँ, क्योंकि ये बगान किसी को नजर नहीं आता, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आता है जिन्हें मैं इस तितली की सहायता से यहाँ तक लाती हूँ। मतलब आपने मुझे जानबूझकर यहाँ तक लाया? कुछ दिनों पहले मैं एक बूढ़ी अम्मा बनके
तुम्हारे गांव में गई थी और वहां मैंने देखा प्रतियोगिता के अनाउंसमेंट के बाद कुछ लड़कियां तुम्हारा बहुत मजाक बना रही थी। मुझे ये भी पता है कि तुमने अपनी माँ से सूती के कपड़े का फ्रॉक बनवाया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आप मेरी मदद कैसे करोगी? तभी परी बगान से एक फूल तोड़ती है और अंजलि को दे देती है। ये फूल तुम अपने सूती के कपड़े से बनाए हुए फ्रॉक पर जाकर रख देना, उसके बाद इसका कमाल देखना। ठीक है परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अंजलि फूल लेकर गुफा के रास्ते अपने घर वापस आ जाती है। अंजलि के जाने के बाद गुफा गायब हो जाता है। घर जाकर अंजलि अपनी माँ के बनाए हुए फ्रॉक के ऊपर परी का दिया हुआ फूल रखती है। तभी अचानक फ्रॉक एक सुंदर से नग जड़े फ्रॉक में बदल जाता है। अपना इतना सुंदर फ्रॉक देख अंजलि बहुत खुश होती है और अपनी माँ को बुलाती है। माँ, इधर आओ माँ। अंजलि की आवाज सुनकर उसकी माँ आती है। क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रखा है? ये देखो माँ, मेरा फ्रॉक कितना सुंदर हो गया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, मैंने तो इतना सुंदर फ्रॉक नहीं बनाया था। फिर अंजलि अपनी माँ को परी के दिए हुए फूल के बारे में बताती है। ये सब जानकर गायत्री भी बहुत खुश होती है। बहुत अच्छा हुआ, अब मेरी प्यारी बच्ची परी जैसी खूबसूरत बनकर प्रतियोगिता में जाएगी। इस तरह गायत्री और अंजलि बहुत खुश थे। अगले दिन अंजलि तैयार होकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने राजमहल जाती है। परी देखती है कि वहाँ पर लड़कियाँ बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पहनकर आई हुई है और सब बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे वाह, यहाँ तो सब एक से बढ़कर एक लग रही है। तभी अंजलि देखती है कि पूजा और मुस्कान एक दूसरे से तू तू मैं मैं कर रही है। देख पूजा, मैं तो यहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। अरे जा, सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं लग रही हूँ। अपने मुँह से तो अपनी तारीफ हर कोई कर लेता है, मेरी तारीफ तो गांव के कई सारे लोगों ने की है। गांव के लोगों ने की है ना, यहाँ तो किसी ने नहीं की। चल हट यहाँ से, प्रतियोगिता में जीतने के बाद तो मैं तेरी तरफ देखूंगी भी नहीं। और मैं तो भूल ही जाऊंगी कि तू जैसी बदसूरत लड़की कभी मेरी दोस्त भी हुआ करती थी। इस तरह दोनों आपस में बहुत देर तक तू तू मैं करती है। तभी थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी लड़के स्टेज पर आकर मॉडलिंग करना शुरू कर देती है। राजा रानी को अंजलि सबसे खूबसूरत लग रही थी और उसकी मॉडलिंग भी सबसे ज्यादा अच्छी थी, इसलिए राजा रानी उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देते हैं। अंजलि को इनाम में 25 सोने के सिक्के मिलते हैं। अंजलि बहुत खुश होती है और 25 सोने के सिक्के लेकर घर आ जाती है। अंजलि गायत्री को इनाम में मिले सोने के सिक्के दे देती है। देखो माँ, आपकी बेटी ने सबको पीछे छोड़कर ये 25 सोने के सिक्के जीत ही लिए, अब इसे बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इतना बोलकर अंजलि अपनी माँ के गले लग जाती है। दोनों 25 सोने के सिक्के बेच आते हैं और उससे मिले हुए पैसों से अपनी एक बड़ी दर्जी की दुकान खोलते हैं और एक बड़ा सा घर खरीदते हैं। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और अंजलि अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।